की संख्या में किसान अगर कहीं भी जाते हैं तो वो उनके लिए और उनके आसपास जो लोग हैं उनके लिए कितना सुरक्षित है। बहरहाल हरियाणा के फतेहाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। फतेहाबाद के टोहना में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है। किसानों ने पुलिस के लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था लेकिन किसानों की संख्या कहीं ज्यादा थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए देखते ही देखते सारे बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। कितनी बड़ी संख्या में ये किसान हैं हरियाणा के टोहना में, इन किसानों की पुलिस वालों से झड़प भी हुई। और ये जो पीले रंग के बैरिकेड्स हैं इनको देखिए ये किसान किस तरह से खींच कर अपने रास्ते से हटाते हुए। इन किसानों का एक ही मकसद है, इन प्रकारेण किसी भी तरह से दिल्ली पहुँचना है। और क्योंकि दिल्ली में सीमा को सील किया हुआ है इसीलिए पुलिस की सख्ती के बीच में इस तरह से किसान बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ते हुए सीधे रुक करना चाहेंगे। करनाल से दीपक रावत हमारे साथ हैं। दीपक, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसी तरह की तस्वीरें हर जगह दिखाई दे रही हैं। मतलब किसान कुछ वक्त के लिए शांत हो जाते हैं, एक जगह पर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अचानक जैसे ही पुलिस सख्ती करती है, बैरिकेड लगाती है, बैरिकेड को तोड़ कर आगे बढ़ते हैं। जी नहीं, लगातार ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जहां भी आप जाइए पंजाब हरियाणा में, जहां से किसान गुजर रहे हैं, यहां पर भी अगर करनाल की बात की जाए तो यहां पर भी थोड़ी देर पहले बैरिकेड लगाए गए थे, उन बैरिकेड को तोड़कर ये लोग आगे बढ़े, फिर आराम करने लगे और फिर आगे बढ़ गए। तो ऐसी तस्वीरें सिर्फ यहां की नहीं, बात करें पंजाब के कई इलाकों की बात करें, हरियाणा के कई इलाकों की बात करें, हर जगह ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां जहां पर बैरिकेडिंग की गई है वहां पर तमाम किसान पहुंचते हैं, बैरिकेड को तोड़ते हैं, उस वहां पर जो पत्थर लगाए गए उन पत्थरों को उठाकर फेंक देते हैं। पुलिस के साथ झड़प होती है, पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, बावजूद इसके पुलिस उन सबको रोकने में नाकाम रहती है और ये किसान जो है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त अगर इस इलाके की बात करें करनाल की, तो यहाँ पर जितने भी किसान थे जो कि रात के वक्त से इंतजार कर रहे थे आगे बढ़ने का, वो तमाम किसान अब आगे बढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ पंजाब से जो सिंधु बॉर्डर पर सुबह की तस्वीरें थी, जिन किसानों को वहाँ पर रोकने की कोशिश की गई थी पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा, वो भी अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनमें से ज़्यादातर किसान आगे भी निकल चुके हैं। तो लगातार कोशिश यही की जा रही है कि पुलिस की तरफ से कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तैयारियों के साथ इन सभी किसानों को रोका जा सके, लेकिन हर जगह से एक ही तस्वीर सामने आ रही है कि ये जो भी बीच में बैरिकेड्स लगाए गए उन सभी को तोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी नहीं, जी बिल्कुल। तो देखिए लगातार किसान आगे बढ़ते हुए, और ये जो तस्वीरें हैं हरियाणा के टोहना से आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये किसान और हाथ में पोस्टर बैनर लेकर आगे बढ़ते हुए। इन किसानों का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से दिल्ली कूच किया जाए। हालांकि हम आपको बता दें केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों के हित का ये कानून है, लेकिन किसान एक भी बात सुनने को राजी नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नए किसान कानूनों को किसान के हित में होने का दावा किया और आरोप लगाया कि कुछ लोग किसानों के हित में लिए गए फैसलों से बेचैन है, इसीलिए राजनीति कर रहे हैं। अभी तक जो है वो अन्न पर तो लोगों की नज़र रही, लेकिन अन्नदाता नज़रअंदाज रहा। कृषि प्रधान देश तो हम कहते रहे, लेकिन कृषक प्रधान देश बनाने की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस बड़े बदलाव से बेचैन हैं, और इस बड़े बदलाव से जो लोग बेचैन हैं वो लोग हैं जो बिचौलियों के साथी संगी हैं। ये वो लोग हैं जो आज तक जो है वो अन्न का तो आनंद उठाते रहे, लेकिन अन्नदाता को पूरी तरह से नजरअंदाज करते रहे या उसका शोषण करते रहे। इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर हरियाणा के अंबाला से आ रही है। अंबाला में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को एक बार फिर से पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों के साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इससे पहले अंबाला में ही किसानों ने पुलिस का पहला बैरिकेड तोड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा था। इसके अलावा कैंथल में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। पुलिस ने पहले किसानों को रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेड लगाए और जब किसानों ने उन्हें पार करने की कोशिश की तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी पुलिस की तरफ से छोड़े गए। इसके बाद पटियाला से आगे बढ़ रहे किसान पटियाला कैंथल रोड पर ही बैठ गए हैं। इस बीच हरियाणा के अंबाला पटियाला के